कौन ऑपरेटर और कौन प्रमोटर खेल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में दोस्तों, अगर पहली बार आए इंट्राडे टेक मुंबई एमई बीके सिंह चैनल पे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रमोटर ही ऑपरेटर का खेल कर रहे हैं, ऑपरेटर ही प्रमोटर का खेल कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन ऑपरेटर और प्रमोटर, इन्वेस्टर और ट्रेडर, ये चार जो शब्द है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर पहली बार आए हैं तो इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह चैनल को पिछला वीडियो जरूर देखिए। और आज इस वीडियो में पहली बार जानेंगे कि ऑपरेटर किसको कहते हैं। ऑपरेटर ही खेल करता है, प्रमोटर का रोल निभाता है, इन्वेस्टर ही ट्रेडर होता है और ट्रेडर ही इन्वेस्टर बनता है। इन सब बातों को उलझने मत दीजिए, सीधा फंडा समझिए दोस्तों। कौन क्या कहता उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम आपको एक बारीकी शुद्ध सरल और सटीक हिंदी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपरेटर एक स्टॉक है, सपोज देख इंट्राडे टेक मुंबई एक स्टॉक है, एक शेयर है, किस सेक्टर का, तो ये मान लीजिए कि आपको है डिफेंस सेक्टर का, और डिफेंस सेक्टर में इंट्राडे टेक मुंबई जो ये स्टॉक है इसके प्रमोटर कौन है, तो एमबीए बीके सिंह, कितना परसेंट, 90%। 10% कौन है, उसमें एफआईआई है, डीआई है, पब्लिक है और अदर और कुछ है। अब आइए ऑपरेटर, अब इंट्राडे टेक मुंबई जो स्टॉक है इसको ऑपरेट करने वाला कौन है, तो आप सीधे कहेंगे कि एनएससी है, बीएससी है, सेबी इसकी एनएससी और बीएससी को कमांड करता है। नहीं, ये ऑपरेटर नहीं दोस्तों, ऑपरेटर तो वही है जो आपको प्रमोटर कहते हैं और एक टीम, एक सिस्टम्स के माध्यम से आपको चारों तरफ से जहां देखेंगे वहां कि इंट्राडे टेक मुंबई बहुत तेज़ी से जाने वाला है। इंट्राडे टेक मुंबई बिग ब्लास्ट करने वाला है सोमवार को मार्केट खुलते हैं, और ये ऑपरेटर कुछ नहीं करता दोस्तों, ये तो ऑपरेटर का काम करते हैं ये सिस्टम, और इसमें फंसते हैं कौन, नए शेयरधारक। ऑपरेटर को सुने होंगे, ऑपरेटर बहुत बड़ा खेल करने वाला, प्रमोटर ही ऑपरेटर का खेल कर रहा है दोस्तों, ऐसा भी होता है और ऐसा जानने वालों को बहुत सारे संख्या है। लेकिन समझने की बात है, ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर का काम है कि जिस स्टॉक को खरीदने वाले 100 हैं, बेचने वाले 90 हैं दोस्तों, तो बेचने वाले 90 हैं, खरीदने वाले 100 हैं, तो क्या करेगा, बेचने वाले का साथ देगा, क्योंकि 10% उसको मुनाफा हो रहा है दोस्तों। ऑपरेटर इसमें कुछ नहीं कर सकता है, हम और आप मिलके स्टॉक मार्केट चलाते हैं दोस्तों, खरीदार और बिकवाली करने वाले, बेचने वाले और खरीदने वाले, ये दो ही लोग स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। और ऑपरेटर तो सिर्फ ऑपरेट करता है इसलिए कि वो एक तरह से बोल रहे कंसल्टेंसी, उनको कमीशन आता है दोस्तों, और स्टॉक मार्केट में किसी को कुछ भी, कंपनी को ना नुकसान है, ना आपको एनएससी से मतलब है, ना बीएससी से, बीएससी तो कमांड करते हैं आपको एक सिस्टम में रखे। सपोज इट आप देखेंगे, आप वो बाजार समिति पहले बोलते थे दोस्तों, अभी सहकारी समिति के, या सब्जी मंडी देख लीजिए, गले का मार्केट देख लीजिए, गन्ने का मार्केट देख लीजिए, वहाँ पर फल सब्जी मंडी देख लीजिए, वहाँ पर माल आता है, वहाँ पे कौन रहता है, एक सिस्टम बना है, एक सोसाइटी बना होगा, वहाँ पे माल खरीदने वाले भी रहेंगे और बेचने वाले माल लेके आ रहे हैं, वो दोनों को
देखने वाला वो जो कंटेक्ट जो उसका ठीका है उस देखते रहता है कौन, उससे कोई मतलब नहीं है कितना में बेच रहे हैं कितना में खरीद रहे हैं। अब रह गया कि मार्केट की जो कितना डिमांड है और कितना उसकी मांग पे डिपेंड करता है प्राइस, और इस चीज़ को समझना है तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, बहुत सारे वीडियो है दोस्तों। तो ऑपरेटर ही प्रमोटर होता है, प्रमोटर ही ऑपरेटर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट को सेलर और बायर दो ही लोग चलाते हैं, और इसमें जो जीतता एक हारता है और एक जीतता एक को प्रॉफिट होता है एक को लॉस होता है, बाकी तीसरा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इसको पकड़ने वालों को जो रहते हैं ट्रेडर दोनों तरफ से कमाई करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट आज इस ट्रेड में आज इस स्टॉक में खरीदने वाले की संख्या ज़्यादा है या बेचने वाले की संख्या ज़्यादा है। तो उस स्टेट में उस ये 15 सेकंड 10 सेकंड का खेल होता है दोस्तों, बस और कुछ भी नहीं। और ये लेकर होल्ड करने वाले वो ऑप्शन का ये सब कुछ नहीं, जिस दिन एक्सपायरी होता है जितना भी महंगा ट्रेड मिल जाए कोई शक नहीं, कोई उसमें आप कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, कमाई तो उसी दिन है दोस्तों, एक दिन पहले 3 बजे डिसाइड करिए कि कल हमें कौन थोड़ा सा 10% का रिस्क रहता है, 90% आपके फेवर में ट्रेड रहता है दोस्तों। अब आ जाइए ट्रेडर और इन्वेस्टर। अब ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों में क्या अंतर है? ट्रेडर कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस, जस्ट क्विक प्रॉफिट ढूंढता है दोस्तों। और क्विक प्रॉफिट ढूंढने वाले बहुत बड़े प्रॉफिट भी कमाते हैं, बहुत बड़े लॉस भी करते हैं दोस्तों। लेकिन जब लॉस करते 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 पूरा कैलकुलेशन जोड़ते हैं तो वो एक दिन पूरा लॉस को रिकवरी करके प्रॉफिट में बदल जाते हैं, फिर वो लॉस का मुंह नहीं देखते दोस्तों। इन्वेस्टर कभी भी ट्रेडर बन सकता है दोस्तों, और इसीलिए बार बार कहते हैं दोस्तों आप इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए पहले। हम कई वीडियो में कहते हैं कि ट्रेडर बनेंगे तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएंगे, ये सत्य है, लेकिन उसको सिस्टम को जानना पड़ेगा दोस्तों। मंत्र नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा? लेकिन इसका एक सरल भाषा और सटीक में कुछ भी आपको कोई चार्ट कोई एनालिसिस कोई कैंडल और कोई मंथली और कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में, ABCD भी नहीं आता, 1-2 नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर बनिए धीरे धीरे। और ज़्यादा उस भी नहीं बनते हैं तो एक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए और कापी और कलम लेकर सीधा आप सोचिए कि आज 1 करोड़ का हमने इन्वेस्ट किया, सपोज दैट TCS में, इन्फोसिस में, विप्रो में, वेदांता में, NMDC में, कब बेचेंगे ये सीखिए, डेट लिखिए, सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, महीना में 20 दिन 21 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो 20 दिन 1 महीने में, 12 महीने में 12 दिन 24 240 दिन, 3 साल दे दिए दोस्तों, 24 या 72 720 दिन दे दीजिए स्टॉक मार्केट को, और फिर देखिए MBA BK सिंह क्या आपके लिए करते हैं दोस्तों। आइए इतना देर बने हैं तो आपको मैं बता दूं, कल का स्टॉक मार्केट खुलते ही दोस्तों बेचो बेचो बेचो, निफ्टी 50 बेचो, खरीदो खरीदो खरीदो, ऑटोमोबाइल खरीदो और बेचो बेचो बेचो, फार्मा सेक्टर बेचो, आपको IT सेक्टर बेचो, आपको रियल एस्टेट बेचो, आपको एनर्जी सेक्टर खरीदो। और इसमें कौन कौन, अब आप करेंगे सर आप स्टॉक का नाम बताइए, चलिए स्टॉक का नाम बता देते हैं दोस्तों, खरीदो
टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, मदरसन सुमी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, जेके टायर, आइसर मोटर, टीवीएस मोटर, हीरो मोटर कॉर्प, एक्साइड इंडस्ट्रीज और वोल्टास इंडस्ट्रीज, वोल्टास इंडिया लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर्स और हिटाची कूलिंग पावर कंट्रोल, हिटाची कंट्रोल इंडिया लिमिटेड। और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी विलमार और टाटा कंज्यूमर्स आईटीसी, सभी के सभी खरीदो। लेकिन निफ्टी बैंक जो करने वाला है वो भी जान लीजिए दोस्तों, निफ्टी बैंक थोड़ा सा सावधान रह के जाओ। निफ्टी बैंक में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, निफ्टी 50 में भी होने वाला है और इसी को डर है दोस्तों। कल मार्केट खुलते ही डर का माहौल रहेगा, सावधान रहना। होल्ड करते आए हो तो उसको बिना देर के हुए, लालच किए बिना, अगर आप 5% से ज़्यादा नुकसान नहीं है तो एग्जिट होना ही आपकी समझदारी है दोस्तों। क्योंकि हमने बोला था कि 12 अप्रैल टाइम लाइन है दोस्तों, लक्ष्मण रेखा 12 तारीख बीत चुका, क्योंकि जब तक 15 मई के बीच में जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं, उस रिजल्ट आने वाला में पॉजिटिव रिजल्ट जिसका आता है दोस्तों, इंट्राडे में कमाई कीजिए, फ्यूचर में बाई कीजिए, ऑप्शन के पुट में कॉल बाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।